दोस्तों आज हम बात करेंगे पस सेल इन यूरिन के बारे में। पेशाब में पस सेल्स क्यों जाती हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, क्या इसके वजह से बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं इसको ठीक करने के लिए, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों पस सेल इन यूरिन का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति के पेशाब में पस सेल्स जा रही हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है उसके पेशाब में जो ल्यूकोसाइट हैं या WBC हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं वह पेशाब के रास्ते बाहर निकल रही हैं। ऐसी कंडीशन को पेशाब में पस जाना या पस सेल इन यूरिन कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर किसी के शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए या फंगल इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है, या किसी को पेशाब के रास्ते कोई संक्रमण हो जाए, किसी को UTI की परेशानी हो तो उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है, या सिस्टाइटिस की अगर किसी को परेशानी है उसके वजह से ऐसा हो सकता है, नेफ्राइटिस की वजह से ऐसा हो सकता है, या किसी के गुर्दे में पथरी की समस्या है उसके वजह से ऐसा हो सकता है। तो पेशाब में पस सेल्स जाने के पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के पेशाब में पस सेल्स जा रही हैं तो उसकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके वजह से जो जनरली सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेशाब का कलर दूधिया कलर ऐसा हो सकता है, पेशाब करते समय जलन हो सकती है, पेशाब करने के बाद जलन हो सकती है, पेशाब थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ सकता है, पेशाब जल्दी जल्दी आ सकता है, पेशाब में कई बार ब्लड भी आ सकता है। जो महिलाएं होती हैं उनके पेड़ों में दर्द इसकी वजह से रह सकता है, इसकी वजह से शरीर में टायर्डनेस रह सकती है, पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। जनरली ये कुछ सिम्टम्स थे पस सेल इन यूरिन के केस में बॉडी में देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप में से किसी को इस प्रकार की दिक्कत है, अगर किसी के पेशाब में पस सेल्स जा रही हैं तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है SBL Drop 3। दोस्तों जो SBL Drop 3 होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है पेशाब संबंधी बीमारी को ठीक करने की। अगर किसी के पेशाब में जलन है, दर्द है, पेशाब में ब्लड जा रहा है, खून जा रहा है, किसी के पेशाब में पस सेल्स जा रही हैं, किसी को UTI की परेशानी है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, या किसी को सिस्टाइटिस की परेशानी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। इसकी 20-20 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बेफिक्र होकर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है Epismel 200। दोस्तों जो Epismel मेडिसिन होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है पेशाब संबंधी बीमारियों को ठीक करने की। अगर किसी को पेशाब कम आ रहा है, पेशाब जलन के साथ आ रहा है, पेशाब बूंद बूंद करके आ रहा है, पेशाब में पस सेल्स आ रही हैं तो उसको ठीक करने का काम Epismel मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगर आपको परेशानी ज़्यादा है, पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशाब बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आ रहा है तो इसकी डोज कंडीशन के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं, दिन में 5-6 बार भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है Canthrax 200। दोस्तों Canthrax मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है पेशाब संबंधी बीमारियों को ठीक करने की। किसी के पेशाब में पस सेल जा रही है, पेशाब जलन के साथ आ रहा है, या पेशाब कम मात्रा में आ रहा है, पेशाब में खून जा रहा है तो उसको ठीक करने का काम Canthrax मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं और कंडीशन के अनुसार इसकी डोज को बढ़ाया भी जा सकता है, दिन में 5-6 बार भी इसको लिया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से अगर आपके पेशाब में पस सेल्स जा रही हैं तो उनको बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।